Hello students, welcome back to Vidyamandir classes. Now we are going to start our fourth chemistry webinar for JEE Mains 2019 and the topic for this webinar is the states of matter. अब बच्चों देखो क्या है, जब भी states of matter की बात आती है तो mainly हम gaseous state की बात करें. अब आप सबको पता है कि gaseous state में mainly हमारे पास में दो topics ही होते हैं. कौन सा? ideal gas equation related जो remaining topics हमारे पास में, जैसे Maxwell distribution curves हैं, diffusion of gases है वो, और रियल गैस इक्वेशन जिसमें हम वंडरवॉल इक्वेशन की स्टडी करते हैं. ओके, मेंस लेवल तक की बात कर रहा हूँ तो वंडरवॉल इक्वेशन की स्टडी करते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की स्टडी करते हैं और कंप्रेसिव फैक्टर की स्टडी करते हैं. ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलो हमारा ये वेबिनार स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस. तो देखो, अगर हम 2013 से 2018 तक की बात करें तो जो हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन और उससे जुड़े जो टॉपिक्स हैं उससे टोटल 5 क्वेश्चन बने. फिर 2019 जो है उसके अंदर जेई मेन में टोटल 2 क्वेश्चन बने. 2020 में जो आपके पास में जनवरी में जो जेई मेन हुआ था उसमें से 1 क्वेश्चन आया था. अगर हम रियल गैसेस की बात करें जिसमें वंडरवॉल इक्वेशन हमारे पास में आती है और लिक्विफिकेशन गैसेस आते हैं, उसमें 2013 से 18 तक हमारे पास में टोटल बने, इसके अंदर 3 क्वेश्चन बने और 2019 में इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आए. मैंने इसमें 2020 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है क्योंकि इस साल जो जनवरी में आपका पेपर हुआ था उसमें रियल गैसेस से कोई क्वेश्चन नहीं आया था. केमिस्ट्री में, जेई मेन में रियल गैसेस के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आया था. ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं आइडियल गैसेस के टॉपिक से. तो सबसे पहले हम स्टडी क्या कर रहे हैं, द आइडियल गैस इक्वेशन. अब आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है वो तो आपको सबको पता है ही, तो थोड़ा बहुत चलो डिस्कस कर ही लेते हैं. आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारे लिए? आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एन आर टी. क्या इक्वेशन है? पी वी इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पर पी क्या है गैस का प्रेशर, वी क्या है गैस का वॉल्यूम, मतलब गैस जिस कंटेनर में है उसका वॉल्यूम, एन क्या है गैस का मोलर क्वांटिटी, टी क्या है गैस का टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन, और यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर आर है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. ओके, इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास ऑफ द गैस मल्टीप्लाई बाय आर टी. ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस मल्टीप्लाई बाय आर टी. अब इस इक्वेशन में अगर हम ऐसे करें कि यहाँ पर हमारे पास में पी वी एम अपॉन एम नॉट जो आर टी है, मैंने इसको फिर से लिखा है. अब मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ कि इसमें ये जो एम नॉट है इसको इस तरफ लेके जा रहा हूँ और जो वॉल्यूम है उसको नीचे यहाँ पर लेके आ रहा हूँ. तो इससे ये बन जाएगा पी एम नॉट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय आर टी. क्या बन जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय आर टी. मास अपॉन वॉल्यूम बच्चों क्या होता है? डेंसिटी. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? पी एम नॉट इज इक्वल टू डी आर टी, या गैस का डेंसिटी हमारे लिए क्या बन जाएगा? पी एम नॉट अपॉन आर टी. ये आइडियल गैसेस के डेंसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गया. ओके, आपने एक टर्म बच्चों पढ़ा होगा वेपर डेंसिटी. ओके, तो वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? वेपर डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस. हमारे रेफरेंस गैस जो ली है, जनरली रेफरेंस गैस यहाँ पर क्या लेते हैं? हाइड्रोजन गैस. आप चाहे तो कोई और रेफरेंस गैस ले सकते हैं. तो डेंसिटी ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस को अगर हम लिखे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ गैस को लिख देंगे पी एम नॉट गैस अपॉन आर टी डिवाइडेड बाय पी एम नॉट रेफरेंस अपॉन आर टी. ऐसा लिखने पे जो प्रेशर है वो कैंसिल हो जाएगा, आर टी भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन केवल रह जाएगा एम नॉट गैस डिवाइडेड बाय एम नॉट रेफरेंस. रेफरेंस यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में? गैस. जनरली जो रेफरेंस लेते हैं वो हाइड्रोजन लेते हैं, इसलिए बच्चों ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास में आ जाएगा एम नॉट गैस डिवाइडेड बाय 2. तो वेपर डेंसिटी हम जनरली क्या लिखते हैं? एम नॉट द गैस डिवाइडेड बाय 2. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी, लेट इसको एक कॉन्स्टेंट के मान लेते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर. एक टेम्परेचर टी पे गैस का अगर मोलर क्वांटिटी मेरे पास में फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है, तो एन आर टी क्या हो गया मेरे लिए? एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया. तो पी वी भी कांस्टेंट हो गया. तो अब क्या ऐसे लिख सकते हैं दैट एलएन ऑफ पी वी, लॉग ऑफ पी वी
इज इक्वल टू एल एन ऑफ के बिल्कुल लिख सकते हैं. तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी, एल एन ऑफ पी इज इक्वल टू एल एन ऑफ के माइनस एल एन ऑफ बी. दैट मीन्स लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ बी. ये कुछ इक्वेशन बन जाएगी. मैंने इक्वेशंस क्यों लिखी है, क्योंकि जनरली ये सिंपल सिंपल जो इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिखी हैं बोर्ड के ऊपर, इन इक्वेशंस के ऊपर ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, वो भी काफी सिंपल है क्योंकि इक्वेशन ही बहुत आसान है और आई थिंक ये ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको आते होंगे. तो देखो जो ग्राफ्स हैं वो कौन से ही हो गए. अब हमारे पास में वेरियस ग्राफ्स बेस्ड ऑन आइडियल गैस लॉस. सबसे वाला ग्राफ हमारे पास कौन सा है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में. अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, अगर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें पता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग. इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग. अगर मेरे पास में एन फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, तो पीवी क्या होगा मेरे पास में, कांस्टेंट होगा. पीवी अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर जो होगा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. तो यहाँ पे इस तरीके का हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, प्रेशर ऑफ वॉल्यूम. फिर एल एन ओ पी और एल एन ओ बी में ग्राफ कैसा आएगा, तो अभी हमने इक्वेशन लिखा था, एल एन ऑफ पी इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ के माइनस एल एन ऑफ बी. ये वाला इक्वेशन आया था, एल एन ऑफ पी इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ के माइनस ऑफ एल एन ऑफ बी. अब देखो इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास में इसका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कैसा होगा, पॉजिटिव. तो ये वाला जो पार्ट है वो हो गया इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस. जो एल एन ऑफ बी है, एल एन ऑफ बी, ये मेरे पास में एक्स एक्सिस हो गया. जो x एक्सिस है उसके साइन आगे कैसा है, नेगेटिव. दैट मींस यहां पर स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव स्लोप. तो यहां पर इस ग्राफ का स्लोप कैसा है, नेगेटिव. अब अगर वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करें और यहां पे टेम्परेचर अगर केल्विन में दे रखा हो, टेम्परेचर किस में दे रखा हो, केल्विन में, तो किस तरह ग्राफ आएगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे. वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी, पीवी इक्वल टू एन आर टी हमारे पास में इक्वेशन होती है, पीवी इक्वल टू एन आर टी. इसमें अगर n फिक्स्ड है, अगर हमारे पास में n फिक्स्ड है, प्रेशर फिक्स्ड है, तो हम कहेंगे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और अगर वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर केल्विन भी दे रखा है, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा, Vt ग्राफ इस तरीके से आएगा. फिर अगर मैं टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिखूं, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिखूं, तो जो Vt ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा. क्यों आएगा, सीधी सी बात है मेरे पास में, अगर ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन है, तो V is directly proportional to, हमें पता है temperature Kelvin में अगर लिखते हैं तो actually होता क्या है, वो temperature in degree Celsius plus 273.15, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा temperature in degree Celsius plus 273.15. तो graph तो लगभग वही आने वाला है, हमारे पास में straight line आना है with positive slope आना है, but इसके साथ साथ में 273.15 का मतलब क्या है, इसका एक y intercept भी आएगा. अब देख सकते हैं यहाँ पर इस graph का एक y intercept है, इस graph का यहाँ पे एक इंटरसेप्ट है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. डेंसिटी और प्रेशर में ग्राफ कैसा होगा, तो अभी हमने रिलेशन पढ़ा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू पी एम नॉट अपॉन आर टी होता है. डेंसिटी कितना होता है, पी एम नॉट अपॉन आर टी. तो बच्चों अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं, ठीक है, एक पर्टिकुलर गैस के लिए बात कर रहा हूं, तो मोलर मास भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा. इस केस में डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप. तो ये सिंपल सिंपल ग्राफ्स हो गए. अब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं, जो ग्राफिकल क्वेश्चन. देखो ये आपको बोर्ड पे एक ग्राफ दे रखा है, प्रेशर वॉल्यूम यहाँ पे कर्व प्लॉट कर रखा है, ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व हो गया. ओके, ये वाला कर्व हो गया, ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, और इसमें हमें क्या पता लगाना है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस. अब देखो ये क्वेश्चन जो है, ये बहुत समय पहले आपके फिजिक्स में जेई मेन के अंदर, आई थिंक जब एआई ट्रिपल यू हुआ करता था, तभी क्वेश्चन आया था. ठीक है, जो फिजिक्स के अंदर आया था, तो फिजिक्स में आपके जो है स्टेट्स ऑफ मैटर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, थर्मोडायनेमिक्स है, तो ये क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के अंदर आया था. अब इसको देखो सॉल्व करने का मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया. शॉर्ट ट्रिक देखो यहाँ पर क्या है, कि अगर कोई आपको इस तरीके से पीवी ग्राफ प्लॉट करके दे दे और आपको पूछे कि इस ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग गैस जो मैक्सिमम टेम्परेचर को अचीव करेगा उसको कैलकुलेट करो, गैस के मैक्सिमम टेम्परेचर जो अचीव करेगा गैस उसको कैलकुलेट करो, तो आपको करना क्या है, आपको चेक करना है कि सर इसके ग्राफ का स्लोप क्या है. तो आप स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस. तो आप ग्राफ का स्लोप निकाल देना, स्लोप नो डाउट नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव स्लोप हमें नजर आ रहा है, तो हमें स्लोप का केवल मैग्नीट्यूड चाहिए. क्या चाहिए हमें, स्लोप का
मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, पी टू माइनस पी वन अपॉन बी टू माइनस वी वन, और पी टू माइनस पी वन बी टू माइनस वी वन में पी टू माइनस पी वन का भी हम मैग्नीट्यूड उठाएंगे। क्या उठाएंगे, मैग्नीट्यूड हम यूज करना है, नेगेटिव साइन का हमारे पास में यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। फिर आप क्या करना है, यहाँ पर इसका वाई इंटरसेप्ट निकाल देना। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, अगर आपको यह पता लग जाए कि वी टू से वी वन जाने पर, वी टू से वी वन जाने पर प्रेशर पी वन से पी टू जाता है, तो आपको चेंज पता लग जाएगा ना कि वी टू से वी वन जाने पर प्रेशर कितने अमाउंट से चेंज हो रहा है। तो अगर प्रेशर जो वॉल्यूम है, प्रेशर क्या, अगर वॉल्यूम वी वन से जीरो जाएगा तो प्रेशर फाइनली कहां से कहां जाएगा, तो इससे आप इसका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस में निकालेंगे। लेट इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना हो गया मेरे पास में, सी हो गया। तो देखो बच्चों, मैक्सिमम टेम्परेचर का, अब जो गैस मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव कर सकती है, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी मैक्सिमम टेम्परेचर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन फोर टाइम्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको याद हो जाएगा क्या होगा, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट अ गैस कैन अचीव विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन फोर टाइम्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर एन क्या है, गैस का मोलर अमाउंट, एन यहाँ पर क्या है, गैस का मोलर अमाउंट, इट इज मोल्स ऑफ द गैस, एस यहाँ पर क्या है, ये जो हमने ग्राफ बनाया है उस ग्राफ का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप, और आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, आर यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। आपको स्लोप का वैल्यू कैसा चाहिए, आपको स्लोप का मैग्नीट्यूड लेना है, स्लोप के साइन से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि सर मैं नेगेटिव साइन लेके करूं तो क्या टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर क्या नेगेटिव हो जाएगा, तो बात आपकी गलत है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर का फॉर्मूला फिर से बोल रहा हूँ, कैसे याद रखेंगे, सी स्क्वायर टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर टाइम्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस पर बेस्ड जो फिजिक्स के आपके जो पुराने वाले एयर ट्रिपल में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन को मैं डिस्कस अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि फिजिक्स का वो वाला क्वेश्चन केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत जो है उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन फिर से आ जाए। तो देखो जो फिजिक्स वाला क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अटेन बाय द गैस, जो मैक्सिमम टेम्परेचर गैस के द्वारा अटेन किया जा सकता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, जब वॉल्यूम, जब इस गैस का वॉल्यूम जो है, इस गैस का वॉल्यूम 2V0 से V0 की तरफ जा रहा है, जब इस गैस का वॉल्यूम 2V0 से V0 की तरफ जा रहा है, तो गैस के वॉल्यूम का चेंज कितना है, V0 टाइम, तब गैस का प्रेशर जो है वो P0 से 2P0 हो रहा है, तो प्रेशर का चेंज कितना है, V0 टाइम्स हो गया। तो अगर ये V0 से जीरो जाएगा तो अब भी वॉल्यूम का चेंज कितना होगा, V0 टाइम्स ही होगा। तो अब हमारे पास में प्रेशर का चेंज कितना होगा, P0 टाइम्स होगा। तो जो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस आएगा वो 3P0 पर आएगा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कहां पर आएगा, यहां पर 3P0 पर आएगा, है ना। फिर से समझाता हूं, फिर से सुनना देखो, अगर वॉल्यूम जो है 2V0 से V0 की तरफ ड्रॉप होता है तो प्रेशर P0 से 2P0 की तरफ बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम का चेंज अगर V0 होगा तो प्रेशर का चेंज P0 होगा। अगर वॉल्यूम V0 से 0 की तरफ जाएगा, यहां पर 0 है, अगर वॉल्यूम जो है V0 से 0 की तरफ जाएगा तो प्रेशर क्या होगा मेरे पास में, 2P0 से 3P0 हो जाएगा, P0 टाइम्स और बढ़ जाएगा तो 3P0 हो जाएगा। तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना हो गया, यहाँ पर 3P0 हो गया। ग्राफ, ये जो ग्राफ प्लॉट कर रखा है, जो कर प्लॉट कर रखा है, इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप कितना होगा, वॉल्यूम का चेंज है 2V0 से V0 मतलब माइनस ऑफ V0, और प्रेशर का चेंज कितना है, P0 से 2P0 मतलब प्लस V0। हमें स्लोप ऑफ द कर्व मतलब कैसे निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो जो इसके स्लोप का मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना हो जाएगा, P0 अपॉन V0। अब मुझे निकालना है टी मैक्सिमम, तो देखो टी मैक्सिमम का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, सी स्क्वायर टाइम्स ऑफ फोर एन एस आर। आपको कितना मोल गैस यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, जी एक मोल गैस दे रखा है, तो एन का वैल्यू तो हमें वन रखना है, सी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका सी वैल्यू कितना है, थ्री पी नॉट, तो हो जाएगा थ्री पी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, इसका स्लोप कितना है, पी नॉट अपॉन वी नॉट मल्टीप्लाई बाय आर। इसको अगर आप करें तो आपको क्या मिलेगा, इसका स्लोप का वैल्यू इसमें पूरा मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर तो नाइन हो गया, आगे हो जाएगा ये पी नॉट, पी नॉट स्क्वायर और एक नीचे वाला पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय फोर आर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है और आप चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर है। ओके चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब देखो केमिस्ट्री में भी ये कनेक्टेड वेसल्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो टॉपिक हमारा उसमें क्या है, कनेक्टेड वेसल्स विद आइडियल गैसेस। मैंने यहाँ पर देखो बोर्ड में एक डायग्राम बना रखा है कि दो वेसल्स ले रखी हैं, वेसल ए और वेसल बी, वेसल ए और वेसल बी को कनेक्ट कर दिया गया है यहाँ पर एक ट्यूब से,
जिस ट्यूब का यहाँ पर क्या है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम है। इस ट्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम है। और यहाँ पर एक स्टॉपर लगा दिया गया है। स्टॉपर क्यों लगाया है, ताकि गैसेज स्पॉन्टेनियसली डिफ्यूज ना कर सके। जब तक स्टॉपर लगा रखा होगा तब तक गैसेज डिफ्यूज नहीं करेगी। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास में दो वेसल्स हैं ए और बी, उनको एक ट्यूब से कनेक्ट कराए और उस कनेक्शन को बीच में ब्लॉक कर दिया गया है एक स्टॉपर लगा के। अब वेसल ए जो है उसमें गैस ए का जो प्रेशर है वो है पी ए, कंटेनर का वॉल्यूम कितना है वी ए, और गैस का टेम्परेचर कितना है टी ए। फिर से बोलता हूँ, वेसल ए में गैस का प्रेशर कितना है पी ए, वॉल्यूम कितना है चैम्बर का वी ए, और टेम्परेचर कितना है टी ए। वेसल बी में गैस का प्रेशर कितना है पी बी, वॉल्यूम कितना है बी बी, और टेम्परेचर गैस का कितना है टी बी। जो वेसल ए है उसमें गैस का मोलर अमाउंट कितना हो जाएगा, तो गैस का मोलर अमाउंट कितना होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी वाली इक्वेशन यूज करेंगे, तो एन ए गैस का मोलर अमाउंट मेरे पास में हो जाएगा पी ए वी ए अपॉन आर टी है। वैसे ही एन बी, एन बी का वैल्यू हो जाएगा पी बी वी बी अपॉन आर टी। अब हमें बताया कि जैसे स्टॉपर को हटाएंगे तो स्टॉपर को हटाने से गैसेस डिफ्यूज करने लगेंगी। अरे भाई गैसेस डिफ्यूज करने लगेगी, पर ये जो वेसल्स, ये जो ग्लास वेसल्स हमने ले रखी है, क्या गैस ग्लास वेसल से बाहर चली जाएगी? इम्पॉसिबल सी बात है। जो गैस है वो ग्लास वेसल से बाहर नहीं जाएगी। अगर वो ग्लास वेसल से बाहर नहीं जाएगी तो अब यहाँ पे हम कंसेप्ट क्या लगा सकते हैं, टोटल इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोल्स। तो स्टॉपर ओपन करने से पहले जो टोटल इनिशियल मोल्स थे हमारे पास में वो क्या थे, एन ए और एन बी, तो एन ए प्लस एन बी ये टोटल मोल्स थे। अब स्टॉपर को हटाने के बाद में गैसेस डिफ्यूज करेगी, अगर गैसेस डिफ्यूज करेगी तो गैसेस के जो मोल्स हैं यहाँ पर शफल हो जाएंगे, हो सकता है ए से बी जा रहा हो या बी से ए आ रहा हो। तो अब हमारे पास में अब ए साइड में जो फाइनल मोल्स हैं उनको एन ए डैश लिख दिया गया, और जो बी साइड में फाइनल मोल्स हैं उनको लिख दिया गया एन बी डैश, एन ए डैश और एन बी डैश, इस तरीके से इनको लिख दिया गया। ठीक है, ये डिफ्यूजन कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों साइड का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। कॉमन सेंस वाली बात है, डिफ्यूजन कब रुक जाता है, जब दोनों साइड ए और बी का प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, तो वो उनका वो फाइनल प्रेशर होगा पी फाइनल। अब देखो एन ए कितना है पी ए वी ए अपॉन आर टी ए, एन बी कितना है पी बी वी बी अपॉन आर टी बी, इक्वल टू एन ए डैश कितना होगा, एन ए डैश होगा पी फाइनल। पी फाइनल मतलब दोनों तरफ का जो प्रेशर है वो फाइनल पी फाइनल प्रेशर होगा। तो मेरे पास में एन ए डैश होगा पी फाइनल वी ए अपॉन आर टी ए डैश, प्लस एन बी डैश कितना होगा P final BB upon RTB dash, कितना होगा P final BB upon RTB dash, ये मेरे पास में इसका NB dash हो जाएगा। अब इस equation में जो R है वो तो common है, तो R यहाँ पर cancel हो जाएगा, इससे जो general equation बनेगी वो क्या बनेगी, PA VA upon TA plus PB VB upon TB is equals to P final VA upon TA dash plus VB upon TB dash। आ रही मेरे पास समझ में, सिंपल सी इक्वेशन है। किस तरीके से हमने यहाँ पर इस इक्वेशन तक पहुंचे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स। और मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स क्यों लगाया, क्योंकि वेसल क्लोज हैं, दोनों वेसल्स को कनेक्ट तो कर दिया है पर गैस यहाँ से बाहर डिफ्यूज नहीं कर सकती, वेसल से बाहर नहीं जा सकती, ए और बी का जो टोटल वॉल्यूम है उसको एस्केप नहीं कर सकती। क्यों नहीं एस्केप कर सकती, क्योंकि वो ग्लास वेसल्स है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स हमने लगाया, तो फाइनल इक्वेशन यहाँ पर क्या बन जाती है, पी ए वी ए अपॉन टी ए प्लस पी बी वी बी अपॉन टी बी इज इक्वल्स टू पी फाइनल VA upon TA dash plus VB upon TB. अब इस पर बेस जो JEE मेन में क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करते हैं। ये 2016 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, दो क्लोज बल्ब हमने लिए हैं ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दोनों बल्ब्स का जो वॉल्यूम है वो इक्वल वॉल्यूम है, कंटेनिंग ए आइडियल गैस एट इनिशियल प्रेशर P1। हमने दो यहाँ पर लिए हैं बल्ब और हाईलाइट कर लेते हैं इसको, two closed bulbs of equal volume V containing an ideal gas initially at pressure Pi and temperature T1 are connected through a narrow tube of negligible volume as shown in the figure below. आपको figure दे रखा है यहाँ पे। The temperature of one of the bulb is then raised to T2. The final pressure P final is, तो हमें P final की value निकालनी है, किसी एक bulb का जो temperature है आपने T2 भर दिया। तो देखो question को solve कैसे करें, इक्वेशन वो ही लगाएंगे हमारे पास में, पी ए बी ए अपॉन टी एगल्स टू पी बी 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 अपॉन टी बी इजिकल्स टू पी फाइनल
dA upon TA dash plus VB upon TB. क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है TA is equals to TB. और लेट हम मान लेते हैं कि किसी एक का टेम्परेचर जो है वो T1 की जगह T2 करा, तो पहले मेरे पास में TA is equals to TB is equals to T1 था. लेट हम कर लेते हैं TB dash is equals to T2 और TA dash is equals to T1, क्योंकि एक का टेम्परेचर चेंज करा है, दूसरे का टेम्परेचर तो फिक्स है, दोनों का वॉल्यूम सेम है. तो क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि VA equal to VB is equals to V. अगर आप इसको यूज करें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रेशर दोनों तरफ का प्रेशर भी सेम है, पी आई इंटू वी अपॉन टी वन प्लस पी आई इंटू वी अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू पी फाइनल हो जाएगा यहाँ पर वी अपॉन टी वन प्लस वी अपॉन टी टू. ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो इसको यूज करते हुए अगर मैं पी फाइनल का एक्सप्रेशन बच्चों निकालू तो यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास में जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ पी आई वी अपॉन टी वन, और जो इक्वेशन का राइट हैंड साइड है वो बन जाएगा पी फाइनल वी टी टू प्लस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू. इसको अगर आप थोड़ा सही से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इक्वेशन में जो वी है वो कैंसिल हो जाएगा और साथ साथ में जो टी वन और टी वन है वो भी कैंसिल हो जाएगा. तो P final का जो expression आएगा बच्चों वो आएगा P final is equals to 2 times of P initial into T2, 2 times of P initial into T2 divided by T1 plus T2. So 2 times of P initial into T2 divided by T1 plus T2. ये इस question का जो answer correct है वो कौन सा है, option B correct है. Okay, तो आपको formula याद हो जाएगा, आप आराम से question solve कर लेंगे. अब आगे बढ़े, next question की तरफ बढ़े. देखो next question यहाँ पर क्या है, An open vessel, एक open vessel लेके, an open vessel at 27 degree Celsius is heated. एक vessel पहले 27 degree Celsius पे थी, उसको heat करा गया है. और कब तक heat करा गया है? Until 2/5 of the air, air जो भी हमारे पास में उसको idle gas के तरह माना गया है, 2/5 of the air in it has escaped from the vessel. Assuming that the volume of the vessel remained constant, the temperature at which the vessel has been heated is, ये 2019 का question है. सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सॉल्व कैसे करेंगे. अब सोचो कि अगर आपको कहे कि ओपन वेसल है, बच्चा अगर ओपन वेसल है तो प्रेशर तो कांस्टेंट ही होगा ना. अगर कोई कहे कि चैम्बर ओपन है तो चैम्बर ओपन का मतलब क्या है, प्रेशर यहाँ पर क्या है मेरे पास में, कांस्टेंट है. और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स कर रखा है, वॉल्यूम भी फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स कर रखा है. तो अगर प्रेशर वॉल्यूम दोनों फिक्स है तो PV इक्वल टू NRT इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर P इंटू वी ही कॉन्स्टेंट है तो हम कह सकते हैं ना NRT भी कॉन्स्टेंट है, NRT भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट. इससे क्या बन जाएगा, ये N1T1 is equals to N2T2, ये इक्वेशन आ जाएगी. अब देखो N1T1 कितना है, 300 केल्विन है. अब N2, अब चैम्बर में गैस कितनी बची है, तो N2 कितना होगा मेरे पास में, वो कह रहा है कि 2/5 ऑफ द एयर एस्केप हो चुकी है, तो बची हुई गैस कितनी है, 3/5 ऑफ N1 बची है. और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, T2 का पता करना. तो अगर आप T2 का पता करें तो T2 में यहाँ पर आ जाएगा 500 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते थे पर शायद ऑप्शन 500 केल्विन यहाँ पर दे रखा है. बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है. ओके, आपको मेरे पास समझ में आ रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट 300 केल्विन डेंसिटी ऑफ सर्टेन गैस मॉलिक्यूल एट 2 बार इज डबल टू द दैट ऑफ नाइट्रोजन एट 4 बार, द मोलर मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज. डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या होती है, पी एम नॉट अपॉन आर टी, ये हमें पता है. अब इस पूरी इक्वेशन में कॉन्स्टेंट क्या होता है, आर, हो जाएगा पी एम नॉट अपॉन डी टी. बॉस ये तो हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाला है, ये तो कभी चेंज ही नहीं होने वाला है ना. तो ये मेरे पास में आर कितना रहेगा, पी एम नॉट अपॉन डी टी. तो सभी गैसेस के लिए पी एम नॉट अपॉन डी टी मेरे पास में क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी है सभी गैसेस, मतलब सभी आइडियल गैसेस के. अब देखो इसके हिसाब से पी वन एम नॉट वन अपॉन डी वन टी वन इक्वल्स टू पी टू एम नॉट टू इंटू डी टू टी टू आएगा, है ना. अब क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 300 केल्विन पर
तो देखो एक नया टेम्परेचर आपको दे नहीं रखा है, 300 केल्विन पर का मतलब क्या है कि दोनों तरफ का टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर को कैंसिल कर दिया। फिर इसमें और वैल्यू जो दी है उसको चेक कर लेते हैं। इसमें आपको दिया गया है प्रेशर जो दिया है 300 केल्विन, डेंसिटी ऑफ सर्टेन गैस मॉलिक्यूल एट 2 bar प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है वो है 2 bar, और जो ये वाला प्रेशर है P2 वो कितना हो गया 4 bar। अब MnO2 कितना है, नाइट्रोजन का मोलर मास बच्चों कितना होता है 28 होता है, और ये कह रहा है गैस का जो डेंसिटी है वो नाइट्रोजन का डबल है, डेट मीन्स जो D1 है इट इज 2 times of D2, D1 इज 2 times of D2। तो अब इक्वेशन क्या रही मेरे पास में, ये हो जाएगा 2 times of MnO1 upon 2 times of D2। जो टेम्परेचर था वो तो कैंसिल हो गया है, तो अगर वो कैंसिल हो गया है तो उसको यहाँ से हटा ही लेते हैं, तो फिर से इसको लिख देंगे 2 times of MnO1 divided by 2 times of D2 = 2, pressure हो गया यहाँ पे 4 into 28 divided by D2। ओके, अब इसमें D2 से D2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच्चों जो M0 1 आया वो 28 का 4 times, 28 का 4 times यहाँ पर कितना हो जाएगा 112। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और हमारे पास में क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ द आइडियल गैसेस। तो बच्चों देखो आपको सबको ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन तो पता है ही। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ द गैस। क्या है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, फिर से बोलता हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ द गैस, या कहें मोलर मास ऑफ द गैस। इसको बोलते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब होता है मोल्स ऑफ द गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, गैस के कितने मोल डिफ्यूज करें कितने समय में, वो बन जाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। उसको लिखेंगे N/T से। एज एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी गैस के लिए एक पर्टिकुलर प्रेशर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जो गैस का मोलर अमाउंट होगा। अब मैं जब भी किसी भी गैस की यहाँ पर अभी तक बात कर रहा हूँ तो वो सारी आइडियल गैसेज हैं, तो PV=nRT के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास में पी और टी फिक्स हो तो गैस का जो मोलर क्वांटिटी है वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, तो हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज इट इज वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये हमारे पास में रेट ऑफ डिफ्यूजन का सिंपल सा डेफिनेशन बन जाता है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमारे पास में आता है, एक कंसेप्ट आता है, वो क्या है, साइट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। कंसेप्ट क्या है, साइट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। तो उसके लिए क्या करेंगे, साइट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस के लिए, तो देखो यहाँ पर मैंने एक वेसल को उठा लिया, एक चैम्बर को उठा लिया। उस चैम्बर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से गैस ए आ रही है और राइट हैंड साइड से गैस बी आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड से गैस ए और राइट हैंड साइड से गैस बी आ रही है। जो गैस ए है उसका प्रेशर मेरे पास में है पी और टेम्परेचर है टी। सिमिलरली गैस बी का भी प्रेशर पी और टेम्परेचर क्या है, टी। गैस ए जो है उसका मोलर मास है एम नॉट ए और गैस बी जो है उसका मोलर मास है एम नॉट बी। क्लियर है। अब अगर गैस ए और गैस बी एक पर्टिकुलर साइट पे इंटरमिक्स करें और वो साइट ऑफ इंटरमिक्सिंग गैस ए के एंड से एक्स डिस्टेंस पर हो, कितने डिस्टेंस पर हो एक्स, और इस पूरी जो कंटेनर की जो लेंथ है वो कितनी है एल, तो वो जो बी से डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा एल माइनस एक्स। अब इसमें अगर मैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का यूज करूं, जो कि मैंने यूज कर रखा है और ये आप लोगों ने भी यूज कर रखा है, इससे ये जो एक्स डिस्टेंस आता है, ये जो एक्स की वैल्यू आती है वो क्या आती है, तो यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा, साइट ऑफ इंटरमिक्सिंग फ्रॉम एंड ऑफ द गैस ए, तो एक्स का वैल्यू आएगा टोटल लेंथ ऑफ द कंटेनर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम नॉट बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम नॉट बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम नॉट ए। एम नॉट बी यहाँ पर क्या है, सामने वाली गैस का, तो अगर यहाँ से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय आगे वाले का मोलर मास का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय
इस गैस के मोलर मास का स्क्वायर रूट और सामने वाली गैस के मोलर मास का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास में डिस्टेंस x का वैल्यू आएगा। ओके ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास होता है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। अब ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई मेन में इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन अब आने लग गए हैं। तो अब जो टॉपिक है, मेरे पास में एक कंटेनर है बच्चों, यहाँ पर ढंग से देखो फोकस करना, एक कंटेनर है, उस कंटेनर को मैंने ग्रे कलर से शेड कर रखा है और उसमें बहुत सारे मेरे यहाँ पर गैस पार्टिकल्स है। ओके, यहाँ जो गैस पार्टिकल्स है दीज आर रेंडमली मूविंग आइडियल गैस पार्टिकल्स। अब उन आइडियल गैस पार्टिकल्स का मोलर मास है एम नॉट और जिस टेम्परेचर पे गैस है वो कितना है टी। तो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने कहा था the fraction of the gas particles moving with speed v at temperature T is given by, ये मैक्सवेल ने दिया था, ये रिलेशन कैसे डिराइव होता है ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, ना आपको जेईई मेंस के लिए याद रखना चाहिए ना जेईई एडवांस के लिए, बट रिलेशन जो है वो आपको याद रख के नहीं जाना, आपको रिलेशन को यूज करना आना चाहिए। जैसे हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर पढ़ा था कि आपको कभी भी कोई इक्वेशन जो होती है वो याद नहीं करनी है, आपको इक्वेशन का पोस्टमार्टम करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इस इक्वेशन को पूरा समझते हैं। ये हमारे पास में dN upon N जो है वो बन जाता है फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स विद स्पीड v, वो होता है 4 pi का आगे क्या है m नॉट अपॉन 2 पाई आर टी टू द पावर 3/2 इंटू वी स्क्वायर, आगे है एक्सपोनेंशियल की पावर m नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी मल्टीप्लाई बाय dv। अब देखो इसमें हम ये कह सकते हैं कि dN upon N जो है वो v के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और dN upon N जो है उसका एक और एक्सपोनेंशियल रिलेशन भी है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर स्पीड बढ़ती है तो dN upon N कम हो जाता है और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर स्पीड बढ़ती है तो dN upon N बढ़ जाता है। तो इतना पार्ट जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बता रहा है, इतना पार्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बता रहा है और इतना पार्ट जो है वो एक्सपोनेंशियल डिके को बता रहा है, इसको बता रहा है एक्सपोनेंशियल डिके को बता रहा है। तो देखो अगर मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ बनाता तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ होता है, अगर मैं एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ बनाता तो ये एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ है। बट अगर क्या हो, मेरे पास में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डिके दोनों चीजें हो रही हो तो ओवरऑल जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। अब आपको मैं कह रहा था कि ढंग से नोट करना, तो देखो ढंग से नोट करना क्या है, आप नोट करें इस ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ, मेरे पास में ग्रे कलर से मैंने शेड कर रखा है, इसमें एरिया अंडर द ग्राफ है वो बताता है मेरे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक तरीके से गैस की क्वांटिटी बता रहा है। तो आप नोट करें गैस की क्वांटिटी इससे मैच करेगी। अब सोचो एक चैम्बर में गैस ट्रैप है, मैंने गैस का जो है टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या गैस का मास बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो होता है उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से उसका जो टोटल एरिया होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ ना कुछ तो फर्क जरूर पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है बस अभी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर 2 बार आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में वही फिर से रिलेशन लिखा है dN upon N is equal to 4 by m not upon 2 pi RT की पावर 3/2 multiply v square e की पावर minus m not upon v square upon 2 RT m not v square upon 2 RT dot dV। अब इसमें देखो, इसमें ये जो हमारे पास में जो पॉजिटिव पार्ट है बच्चों, कौन सा वाला, इसमें ये वाला जो मेरे पास में पार्ट है ये एक्चुअली इस कर्व की हाइट बताने का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, कर्व की हाइट बताने का काम करेगा। और जो बच्चों ये वाला पार्ट है वो इस कर्व की विड्थ बताने का काम कर रहा है। तो एक तरफ हमारा इसमें हाइट हो जाएगी और एक तरफ हमारा इसमें क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो बच्चा आप ऑब्जर्व करें कि हाइट वाले एक्सप्रेशन में टेम्परेचर डिनोमीटर के अंदर है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इस कर्व का हाइट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि इस कर्व का हाइट एक T1 टेम्परेचर पे दे रखा है और जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया T2 टेम्परेचर पहुंचाया गया तो हाइट यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। विड्थ की बात करें तो विड्थ यहाँ पर क्या है, e की पावर माइनस m नॉट v स्क्वायर अपॉन 2 RT। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जिसके आगे नेगेटिव साइन है उसके डिनोमिनेटर में टेम्परेचर है, तो अगर अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी मेरे पास में, बढ़ेगी। तो विड्थ यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो देखो पहले जो विड्थ थी वो कम थी, अब जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। तो क्या एरिया अंडर द ग्राफ भी बढ़ जाएगा,
बिल्कुल नहीं, कौन बढ़ेगा एरिया अंडर द ग्राफ, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो गैस की क्वांटिटी को बता रहा है, तो दोनों हमारे पास में ग्रे कलर से मैंने शेडेड कर रखे हैं, तो एरिया अंडर द ग्राफ में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। नीचे स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हाइट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डिक्रीजेज व्हाइल इट्स विड्थ इंक्रीजेज। इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का हाइट क्या हो जाएगा मेरे पास में डिक्रीज, और उसका विड्थ है यहाँ पर क्या हो जाएगा इंक्रीज। अब बात करते हैं मॉलिकुलर स्पीड्स की, तो देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस पार्टिकल, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस पार्टिकल इसका मतलब क्या है, जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ अभी हमने प्लॉट किया था उसमें आप देखेंगे कि एक एक पॉइंट आता है जो बताता हमें मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, द स्पीड ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2RT अपॉन m, कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2RT अपॉन m, ये एक्सप्रेशन आप सबको याद है ना, बहुत सिंपल सी बात है, मेरे को इसे कोई तीर नहीं मार रहा यहाँ पे, बहुत सिंपल सी बात है, ये एक्सप्रेशन आप सबको आता है। अभी एवरेज मॉलिकुलर स्पीड एंड RMS स्पीड ऑफ द गैस पार्टिकल, एवरेज स्पीड क्या होती है हमारे पास में, वी एवरेज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई m, और जो RMS स्पीड होती है रूट मीन स्क्वायर, वो स्पीड होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन m। अब इनमें अगर आप ऑर्डर निकालें तो RMS स्पीड सबसे ज्यादा होती है, उससे कम कौन सी होती है एवरेज स्पीड, और उससे कम कौन सी होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगर आपको ऑर्डर याद रखने में दिक्कत हो तो आपको ट्रिक बताता हूँ, सबसे बड़ी स्पीड कौन सी होती है RMS स्पीड, उससे कम स्पीड कौन सी होती है एवरेज स्पीड, और सबसे कम स्पीड कौन सी होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्या बन जाता है ऑर्डर राम, RAM, आप राम बोलो रैम बोलो आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, तो स्पेलिंग तो ये बनने वाली है RAM। तो सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी है RMS, उसके बाद कौन सी है एवरेज, उसके बाद कौन सी है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका रेशियो क्या आता है, अगर मैं RMS स्पीड को जो है रेफरेंस वैल्यू बन देता हूँ तो एवरेज एवरेज स्पीड बन जाती है 0.92, तो एवरेज स्पीड जो होती है वो RMS स्पीड का 0.92 टाइम्स ही है, और अगर RMS स्पीड को मैं बन देता हूँ तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो बन जाती है 0.82, क्या बन जाती है 0.82। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास में जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ था उसमें dn अपॉन n और v के बीच में ग्राफ को फिर से यहाँ पर मैंने लिखा है, इसमें अगर मैं इन स्पीड्स को बताऊं कि कहाँ कहाँ स्पीड आती है, तो सबसे पहले मेरे पास में आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो पीक पोजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, है ना, तो जो स्पीड मेरे पास में इस पीक पोजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी वो बन जाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसके जस्ट आगे कौन सी होगी एवरेज स्पीड, एवरेज मॉलिकुलर स्पीड, और उसके आगे कौन सी होगी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो तीन स्पीड हमारे उसमें आ गई, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पीक पोजिशन पर होगी, थोड़ा आगे बढ़ने पर एवरेज स्पीड, और उसके आगे स्पीड कौन सी होगी RMS स्पीड। अब इस पर जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गैसियस स्टेट इफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डिनोटेड बाय c स्टार, एवरेज स्पीड बाय c बार एंड रूट स्क्वायर बाय c, देन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स द रेशियो ऑफ दीज स्पीड इज, बताओ सबसे बड़ी स्पीड कौन सी होने वाली है रूट स्क्वायर स्पीड, और जो मेरे पास में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है c स्टार वो सबसे कम आना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं c स्टार c बार और c का रिलेशन निकालो तो रिलेशन आना चाहिए 1:1.128 और 1.225, ये रिलेशन सबसे करेक्ट है क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर को दर्शा रहा है, बाकी एक भी इंक्रीजिंग ऑर्डर को यहाँ पर शो नहीं कर पा रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बच्चों करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। फिर 2019 में जो क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करते हैं, पॉइंट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीन पॉइंट हमारे पास हो गए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन द फॉलोइंग प्लॉट रेस्पेक्टिवली कॉरेस्पॉन्ड टू, ये तीनों पॉइंट जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को बता रहे हैं। बच्चों देखो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है VMP या कोई भी स्पीड की बात करें, एक्चुअली फॉर्मूला हमारा उसमें क्या आ रहा है रूट टू RT अपॉन m, तो जिसका मास सबसे कम होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। अगर आप टेम्परेचर का डिफरेंस चेक करें तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर वैल्यूज क्या है 300 Kelvin, 400 Kelvin, 300, 400, 300, 300, 300, 400,
तो आप नोट कर सकते हैं टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर हम मास की बात करें तो आपको जो स्पीसीज दी है वो कौन कौन सी है, एक तो नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। इसका मोलर मास 28, इसका मास 32 और हाइड्रोजन का मास कितना है 2। तो भाई हाइड्रोजन का मास इतना ज्यादा कम है कि इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे आगे ही आनी चाहिए। तो ये जो थर्ड वाला मेरे पास में प्लॉट है ये हाइड्रोजन का ही होगा। किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, क्या हाइड्रोजन किसी ऑप्शन में दे रखा है? तो अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो हाइड्रोजन एक यहाँ दे रखा है और एक हाइड्रोजन यहाँ दे रखा है। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट और थर्ड के बारे में। फर्स्ट पहले एक बार ऑप्शन पहले चेक करते हैं, 300 और 400 तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का रिलेशन निकालना है। अगर मैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड O2 के लिए निकालूं तो O2 का जो रिलेशन मेरे पास में आएगा तो उसको ऐसे लिख देते हैं कि O2 2RT अपॉन M0 ये हो जाएगा, और अगर N2 से निकाले तो वो भी विरासत में हो जाएगा 2RT अपॉन M0। ओके, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। तो अगर इसका रेशियो बना दें तो रेशियो मेरे पास में आ जाएगा VO2 अपॉन VN2, VO2 और VN2। तो पहले ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है कि नहीं ये हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अगर मैं O2 और N2 का निकालूं तो ये टेम्परेचर ऑफ O2 मेरे पास में 400 केल्विन है और O2 का मास कितना होता है 32 डिवाइडेड बाय N2 का जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है और मास कितना है 28। आप देख सकते हैं कि मास में ज्यादा वेरिएशन नहीं आया है पर टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन आ गया है। तो नो डाउट यहाँ पर O2 का जो स्पीड होगा वो N2 से ज्यादा आना चाहिए। अगर O2 का स्पीड N2 ज्यादा आना चाहिए तो ये वाला ऑप्शन सच में करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 2020 में क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने जनवरी में पेपर दिया होगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको मिला होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल्स ऑफ ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग ग्राफ फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर ए बी और सी बच्चों क्या बता रहे होंगे? जो ए है वो बता रहा होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, बस अभी हमने पढ़ा है। बी बता रहा होगा एवरेज स्पीड और सी क्या बता रहा होगा आरएमएस स्पीड। यहाँ पर ए जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहाँ कहाँ है? दो जगह पे बी होना चाहिए हमारे पास में एवरेज स्पीड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट है वो कौन सा है? सेकंड आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो देखो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सबको आता ही है, तो कौन सा अजम्पशन जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का नहीं है ये हमें पता करना है। तो देखो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, अ गैस कंसिस्ट ऑफ मेनी आइडेंटिकल पार्टिकल्स विच आर इन कंटीन्यूअल मोशन। हमें बताया कि अकॉर्डिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो भी आइडियल गैस पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, वो रेंडमली मूव करते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है पर हमारी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। फिर गैस पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ये भी केटीजी के अंदर एक अजम्पशन था, तो ये भी एक करेक्ट अजम्पशन है पर हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। फिर एट हाई प्रेशर गैस पार्टिकल्स आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। तो देखो ये अजम्पशन तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में था ही नहीं, गैस कैसे कंप्रेस होगी वगैरह नहीं होगी, ये तो हमारे पास में केटीजी के अंदर नहीं था। केटीजी के हिसाब से प्रेशर बढ़ाए जाओ गैस कंप्रेस होती रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी। आगे, कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। भाई ये तो था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर था कि सारे सारे जो गैस पार्टिकल्स के बीच में जो कोलिजन होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं रियल गैसेस के बारे में, चैप्टर काफी छोटा है, रियल गैस के बारे में पढ़ते हैं। वैन डर वाल इक्वेशन फॉर द रियल गैसेस, वैन डर वाल इक्वेशन देखो सबको आपको याद है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। p plus n square upon v square, v minus mv equal to nRT। यहाँ पर जो n square upon v square है उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर करेक्शन फॉर द रियल गैस। क्या बोलते हैं इसको? प्रेशर करेक्शन फॉर द रियल गैस। यहाँ पर a क्या है? इट इज वैन डर वाल कॉन्स्टेंट फॉर द रियल गैस। अब अगर वैन डर वाल कॉन्स्टेंट a की बात करें तो एक्चुअली वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है? इट सिग्निफाई अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स। अगर ए का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो गैस पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर यहाँ पर एन इंटू बी क्या बताना चाहता है? एन इंटू बी बता रहा है इट रिप्रेजेंट द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर एन मोल ऑफ द गैस पार्टिकल्स। व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम? कि गैस पार्टिकल्स का खुद का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा।
और गैस पार्टिकल्स की खुद की बॉडी का जो वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम में गैस पार्टिकल्स कभी मूव ही नहीं कर सकते। कोई बंदा अपनी बॉडी के वॉल्यूम में कैसे मूव करेगा? तो एक चैम्बर का वॉल्यूम अगर वी है और गैस पार्टिकल जो है मेरे पास में एन मोल्स हैं, तो गैस पार्टिकल का जो एक्सक्रीटेड वॉल्यूम है वो एन इंटू बी आएगा। एन टू बी यहाँ पर वो वॉल्यूम है जो गैस पार्टिकल जो है खुद कवर कर रहे हैं, और उस वॉल्यूम में किसी और पार्टिकल का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, वो खुद ही मूव नहीं कर सकते उसके अंदर। तो एन बी हो जाएगा एक्सक्रीटेड वॉल्यूम फॉर एन मोल ऑफ द गैस पार्टिकल्स। तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? इट इज एक्सक्रीटेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ द गैस पार्टिकल्स। और जो बी है वो भी एक तरीके का वैन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट है। अब B का वैल्यू कितना होता है? B is equal to Avogadro number multiplied by 4 into V। जहाँ पर जो ये जो small b है, जो है B का expression कितना होगा? B is equal to Avogadro number multiplied by 4 into V। जहाँ पर हमारे पास में जो small b है, वो small b क्या हो जाएगा? Volume of one particle। बस आप इन expressions को याद रखें, इनके derivation वगैरह आपके कोर्स में नहीं है, कुछ काम के नहीं है, ना तो कभी जी एडवांस के अंदर पूछेगा इनका डेरिवेशन, ना कभी आगे जाके पूछा जाएगा, और जे मेन में तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो यहाँ पर ए और बी क्या हमारे पास में? ये वैन डेर वाल्स कांस्टेंट है फॉर द रियल गैसेस। एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यहाँ पर क्या बताता है? प्रेशर करेक्शन। और जो एन बी है वो क्या बताता है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ए इट सिग्निफाई अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर द रियल गैसेस। अब इसका आखिर मतलब क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का? तो कोई भी आप गैस उठा लो, उस गैस का जो वॉल्यूम है वो PV इक्वल टू NRT यूज करते हुए कैलकुलेट कर लो, उसके उस वॉल्यूम को बोलेंगे कैलकुलेटेड वॉल्यूम। अगर एक मोल गैस उठाई है तो उसको बोलेंगे कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम, जिसके हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। और फिर उस गैस के उतनी मोलर क्वांटिटी जो एक मोलर क्वांटिटी मैंने ली है, उसको उसी प्रेशर टेम्परेचर पे उसके वॉल्यूम के वैल्यू निकाल लो, उसको बोलेंगे उसका एक्चुअल मोलर वॉल्यूम। सो what is compressibility factor? It is the ratio of actual molar volume of the gas at a given value of temperature and pressure and its molar volume calculated by the ideal gas equation. इस वाले expression को बोलते हैं compressibility factor. अब देखो क्या है? Due to significant attraction between the gas particles, the actual occupied volume is lower than the calculated volume for most of the real gases. ज्यादातर real gases के अंदर क्या होता है कि उनके बीच में attraction हो रहा है, attraction एक significant amount से हो रहा है, जिसके कारण उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके निकाले गए वॉल्यूम से कम आएगा। इसलिए ज्यादातर रियल गैसेस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, जो जेड का वैल्यू है, वो कितना है? 1 से कम। अरे भाई 1 से कम है तभी तो नाम पड़ा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अगर 1 से बड़ा होता तो एक्सपेंशन फैक्टर कहलाता। ये 1 से कम है ज्यादातर रियल गैसेस के लिए, इसका वैल्यू क्या आया? 1 से कम। नाम क्या पड़ा यहाँ पर? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब सोचो यही कंप्रेसिव फैक्टर की मैं थ्योरेटिकल वैल्यू आइडियल गैस के लिए निकाल रहा हूँ तो क्या होगा मेरे पास में? दैट इज इक्वल टू वी नॉट एक्चुअल अपॉन वी नॉट कैलकुलेटेड। यहाँ पर तो वी नॉट एक्चुअल और वी नॉट कैलकुलेटेड सेम आएंगे। दैट मींस जो आइडियल गैसेज होती हैं उनके लिए जेड का वैल्यू कितना होता है? 1। कंप्रेसिव फैक्टर जो आइडियल गैसेज के लिए होता है उसका जेड का वैल्यू कितना आता है? 1। और ज्यादातर जो रियल गैसेज होती हैं उनका जेड का वैल्यू कितना आता है? 1 से कम। अब आगे देखते हैं, अगर मैं कंप्रेसिव फैक्टर का एक्सप्रेशन डिराइव करूं यूजिंग वैन डेर वाल्स इक्वेशन, अब सब लोगों ने डेरिवेशन कर रखा है और इस एक्सप्रेशन में आप लोग सभी लोग पहुंचे थे, तो वो एक्सप्रेशन क्या है? दैट कंप्रेसिव फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस PV अपॉन RT माइनस A अपॉन RT। क्या एक्सप्रेशन है? 1 प्लस PV अपॉन RT माइनस A अपॉन RT। इसमें फॉर ऑल द गैसेस अगर मैं प्रेशर टेंड्स टू जीरो करूं, अगर प्रेशर जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा बच्चों, तो वॉल्यूम तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो अगर प्रेशर जीरो को अप्रोच कर रहा है और वॉल्यूम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये दोनों ही टर्म फाइनली जीरो हो जाएंगी। दैट मींस जो जेड का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉर ऑल गैसेज इफ प्रेशर टेंड्स टू जीरो एंड वॉल्यूम टेंड्स टू इन्फिनिटी देन जेड टेंड्स टू 1। प्लस ऑल गैसेज टेंड्स टू बिहेव आइडियली एट वेरी लो प्रेशर। जब प्रेशर बहुत कम होता है गैसेस का, जैसे 10 की पावर माइनस का 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, 10 की पावर माइनस का 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो लो प्रेशर हो गया। तो लो प्रेशर की कंडीशन में, वेरी लो प्रेशर की कंडीशन में जितनी भी रियल गैसेस होती हैं उनका भी आइडियल बिहेवियर होता है, क्योंकि उनका भी कंप्रेसिव फैक्टर कितना होता है? 1। ये कंडीशन जो है वो काम की है, ये स्टेटमेंट काम का है जेईई मेन के अंदर। ये स्टेटमेंट एज इज लिखा हुआ आपसे पूछेगा अब जेड का वैल्यू क्या होगा। अगर P tends to zero हो या B tends to infinity हो, उस केस में जो मेरे पास में Z का वैल्यू है वो क्या होगा?
और गैस का नेचर क्या होगा, ऐसे पूछेंगे। अगर वेरी लो प्रेशर है, अगर वेरी लो प्रेशर है तो इम्परफेक्ट गैसेज या रियल गैसेज का परफेक्ट नेचर होने लगता है, तो बात करेक्ट है कि परफेक्ट नेचर को क्या बोलते हैं, आइडियल नेचर। अब आगे क्या है, एट वेरी हाई प्रेशर, अगर हम प्रेशर को बहुत ज्यादा कर दे, तो देखो ये इक्वेशन है हमारे पास में, जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस पीवी अपॉन आरटी माइनस ए अपॉन आरटीवी। अगर मैं प्रेशर बहुत ज्यादा कर दूं, इतना ज्यादा कर दूं कि ये टर्म का वैल्यू इस वाले टर्म से हमेशा ही बड़ा रह जाए, प्रेशर इतने बड़ी वैल्यू पर पहुंचा दूं कि पीबी अपॉन आरटी का वैल्यू ए अपॉन आरटीवी से बड़ा हो जाए, हमेशा बड़ा रहे, उस केस में जेड का वैल्यू 1 से बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, एट वेरी हाई प्रेशर सच दैट पीबी अपॉन आरटी इज ग्रेटर देन ए अपॉन आरटीवी, जेड विल बी ग्रेटर देन 1। सो all real gases can show positive deviation from ideal gas behavior at very high pressure. Ideal gas behavior kya hai, z equal to 1. To agar z ka value kisi real gas ke liye 1 se zyada aa raha hai, 1 se zyada aa raha hai, to usko bolenge positive deviation, aur agar 1 se kam aayega to kya bolenge usko, negative deviation. Wo hamara next point hai, dekho wo kya hai, for almost all real gases a upon rtv is greater than pb upon rt. Thodi der pehle bola tha kyunki unme kya hota hai, significant ज्यादातर प्रेशर की वैल्यूज पर ए अपॉन आर टी बी का वैल्यू पीबी अपॉन आर टी से ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, जेड का वैल्यू क्या होगा, 1 से कम, इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। ज्यादातर जो रियल गैसेस होती है दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, बट दो गैसेस ऐसी हैं जो बेचारी हमेशा ही क्या करती हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। वो कौन सी है, फॉर गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, फॉर गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम पीबी अपॉन आरटी इज मच मच ग्रेटर देन ए अपॉन आरटीवी सच दैट जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस पीबी अपॉन आरटी हो जाएगा, क्योंकि ए अपॉन आरटीवी को अब मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो बच्चों मेरे पास में 1 प्लस बी अपॉन आर टी मतलब पी इक्वेशन है, तो जेड और पी का जो रिलेशन आएगा कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा, बी अपॉन आर टी। अगर स्लोप बी अपॉन आर टी है तो बी यहाँ पर क्या है मेरे पास में, पार्टिकल का साइज भी तो बता रहा है, पार्टिकल का वॉल्यूम भी तो बता रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि जेड और प्रेशर में ग्राफ प्लॉट करें और हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसेस के लिए प्लॉट करें, तो यहाँ पर देखो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वो जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों उसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप आएगा बी अपॉन आर टी, और हमें पता है बी क्या बताता है, पार्टिकल का साइज। सो स्लोप की वैल्यू जो होगी वो साइज ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब जेड का ग्राफ कैसे होगा, अगर जेड का वैल्यू 1 है और जेड हमेशा 1 ही रहता है प्रेशर के हर एक वैल्यू पे, वो हमारे पास में हो गया आइडियल गैस नेचर। Z का वैल्यू 1 के ऊपर आ रहा है तो क्या बन गया हमारे पास में, पॉजिटिव डेरिवेशन, जो हाइड्रोजन हीलियम गैसेस शो करती हैं और ज्यादातर जो नोबल गैसेस है वो भी करने लग जाती हैं अगर हम प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। फिर जैसे कोई रियल गैस है मेरे पास में CO2 गैस, तो CO2 गैस जो है ऐसी गैस है जिसका लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, तो CO2 गैस का क्या होगा, प्रेशर की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जो Z का वैल्यू है 1 से कम ही होता रहेगा, और बढ़ाने पर क्या होगा मेरे पास में, Z का वैल्यू 1 से कम ही रहेगा। तो प्रेशर की बहुत सारी वैल्यूज तक, प्रेशर की बहुत सारे वैल्यू तक जो CO2 गैस आ रही है उसका Z का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 से कम, बट एक प्रेशर के बाद में यहाँ पर क्या होगा, जो Z का वैल्यू है 1 से ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो अगर कोई आपसे कहे क्या सभी रियल गैसेज जो होती हैं, जैसे हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दूं, तो उनके अलावा क्या रिमेनिंग सभी रियल गैसेज होती है हमेशा नेगेटिव डेविएशन ही शो करती है फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि वो पॉजिटिव डेविएशन भी शो कर सकती है एट वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये आपके हाथ में जेईई मेन 2019 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर टी गैसेस लाइक नियन आर्गन ज़ेनन एंड क्रिप्टन आर फाउंड टू डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर एंड देयर इक्वेशन ऑफ स्टेट इज गिवन बाय पी इज इक्वल्स टू आरटी अपॉन बी माइनस बी। इस इक्वेशन को बच्चों देख के बताओ, इसमें ए जीरो आ रहा है ना, अगर ए जीरो आ रहा है दैट मींस कोई अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है तो ए अपॉन आर टी वी की टर्म क्या होगी, नेगलेक्ट कर देंगे। जब ए अपॉन आर टी वी टर्म नेगलेक्ट कर देंगे तो ये एक तरीके से क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डिविजन, क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डिविजन। तो जो भी ग्राफ हमारे लिए आएगा वो ये वाला ग्राफ होगा जेड और पी के बीच में।
इस ग्राफ के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर जो है वन मोल, वो क्या है, p इक्वल्स टू v माइनस b इक्वल टू rt, इसके अकॉर्डिंग जो स्लोप आएगा z वर्सेस p कर्व का जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, b अपॉन rt। तो जिस गैस के लिए b का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसके लिए स्लोप सबसे ज्यादा होगा। बच्चों देखो b सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, अगर मैं बात करूं ज़ेनन, नियन, क्रिप्टन और आर्गन, हमें तो यहाँ पर किसी की बी की वैल्यू नहीं दे रखी, हम क्या करेंगे, साइज से आंसर निकालेंगे। तो बताओ यहाँ पर क्या होता है, अगर पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाए नोबल गैसेस के अंदर, तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो अगर मैं एटॉमिक साइज का यहाँ पर ऑर्डर लिखूं, सबसे हीलियम, हीलियम के बाद में नियन, नियन के बाद में आर्गन, आर्गन के बाद में क्रिप्टन, उसके बाद में ज़ेनन, उसके बाद में रेडन। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या रखा है, ज़ेनन में रखा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जेड इज अ कंप्रेसिविटी फैक्टर वंडरवॉल इक्वेशन एट लो प्रेशर कैन बी रिटन एस, अगर प्रेशर लो है तो बच्चों देखो मैं जेड क्या पता है, जेड इज इक्वल टू वन प्लस पी बी अपॉन आर टी माइनस ए अपॉन आर टी भी होता है। अगर प्रेशर लो है तो इस टर्म को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कौन से टर्म को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इस वाले टर्म को, अगर इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ए अपॉन आर टी भी ये रह जाएगा। तो आंसर आना चाहिए जेड इज इक्वल टू वन माइनस ए अपॉन आर टी वी या वी आर टी। क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट है वो क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, व्हेन डज अ गैस डेविएट द मोस्ट फ्रॉम इट्स आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से डेविएट करना है मतलब लिक्विफाई होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लिक्विफाई होने के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे सबसे ज्यादा डेविएशन होगा फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, पहला ऑप्शन क्या है, एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो बच्चों ये तो ऑप्शन गलत है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, अरे बकवास है क्या, तो उल्टा हो जाएगा, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये ही ऑप्शन करेक्ट है ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला। टेम्परेचर तो गैस के लिए लो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो लिक्विफाई होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो उसका धीरे धीरे आइडियल बिहेवियर ही होने लगेगा। ओके, तो टेम्परेचर तो बहुत लो रखना ही पड़ेगा और प्रेशर को हाई रखना पड़ेगा मैक्सिमम डेविएशन कराने के लिए फ्रॉम द आइडियल गैस मिक्सचर। नेक्स्ट टॉपिक, बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, देखो बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, जो हमारे पास में जेड और पी का ग्राफ है उसमें देखो मैंने CO2 के लिए ग्राफ बनाया था, इस तरीके का बना था, और जो हाइड्रोजन के लिए बनाया था वो कुछ इस तरीके का बना था। अब अगर मैं क्या करूं, टेम्परेचर को बढ़ाऊं, टेम्परेचर को बढ़ाने पर देखो क्या होगा, यहाँ पे जो गैसेज होती हैं उसके Z का एक्सप्रेशन कितना है, 1 प्लस Pb अपॉन RT, ये इफेक्टिव है, और यहाँ पे जो है उसके Z का एक्सप्रेशन कितना है, 1 प्लस Pb अपॉन RT माइनस ए अपॉन आर टी भी पूरा है, जिसमें तो ये टर्म डोमिनेंट टर्म है, ये टर्म क्या है, यहाँ पे क्या है, एक डोमिनेंट टर्म, अगर ये टर्म डोमिनेंट है और ऊपर तो ए की टर्म ले जाती है। तो अब देखो टेम्परेचर का यहाँ पर क्या रूल होगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो ऊपर वाली इक्वेशन में आप नोट करें, टेम्परेचर को बढ़ाने पर पीबी अपॉन आर टी का होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। अगर पीबी अपॉन आर टी टेम्परेचर को बढ़ाने पर डिक्रीज होने लगेगा तो ये वैल्यू नियरली इक्वल टू वन होने लगेगी एट हाई टेम्परेचर। तो ये वाला ग्राफ नीचे आके देखो ये ब्लू वाली लाइन की तरफ जा रहा होगा। तो जैसे ऐसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जो गैस पहले पॉजिटिव शो कर रही थी वो धीरे धीरे आइडियल नेचर की तरफ बढ़ने लगेगी। फिर जो गैसेस पहले नेगेटिव डेविएशन शो कर रही थी, जैसे पहले मैंने CO2 को ग्राफ बनाया था, उसमें ये जो a अपॉन RTV वाले टर्म है वो डोमिनेंट टर्म है। अगर इस डोमिनेंट टर्म में मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो ओवरऑल ये टर्म की वैल्यू मेरे पास में क्या होगी, कम होने लगेगी। अगर ये टर्म की वैल्यू कम होने लगेगी तो इसका इफेक्ट भी सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण z का वैल्यू बढ़ने लगेगा। भाई z का वैल्यू तो पहले 1 से कम था, सर बढ़ के क्या होने लगेगा, वो बढ़ते 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 वन पर अप्रोच करने लगेगा। तो देखो ये जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो पहले वाला ग्राफ था उसको बढ़ाते बढ़ाते इस ग्रीन लाइन तक पहुंचा दिया। ओके, क्या ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वन को अचीव करी है? तो बॉयल्स टेम्परेचर डेफिनेशन क्या है, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस टेंड्स टू बिहेव नियरली आइडियली फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ प्रेशर फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ प्रेशर इज नोन एज द बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर का एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, तो आप याद ही रख लो बॉयल्स टेम्परेचर एक्सप्रेशन क्या है,
बॉयस टेम्परेचर टीबी इज इक्वल टू ए अपॉन आरबी, और जब बॉयस टेम्परेचर अचीव होने लगता है तो गैस का कंप्रेसिव फैक्टर नियरली वन होने लगता है। नियरली वन का मतलब है कि गैस का आइडियल कैरेक्टर आने लग जाता है। बॉयस टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है, टीबी इज इक्वल टू ए अपॉन आरबी। नेक्स्ट टेम्परेचर होना इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए रियल गैस। इसका देखो मतलब क्या है, एक गैस को जब भी लिक्विफाई करते हैं तो उसको अलग अलग टेम्परेचर पे कर सकते हैं, तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके आगे गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल ही ना हो उसको बोलते हैं इन्वर्सन टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर अबव व्हिच अ रियल गैस कांट बी लिक्विफाई इज नोन एज, सॉरी इन्वर्सन टेम्परेचर नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे उसका क्रिटिकल टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर अबव व्हिच अ रियल गैस कांट बी लिक्विफाई इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द रियल गैस। क्रिटिकल टेम्परेचर का बच्चों एक्सप्रेशन कितना है, 8A अपॉन 27 आरबी। आप सबको पता है एक्सप्रेशन, सारे एक्सप्रेशन बड़े आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आपने याद कर रखे हैं। फिर इन्वर्सन टेम्परेचर ऑफ रियल गैस का मतलब क्या होता है, तो देखो एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं जूल थॉम्सन इफेक्ट। ठीक है, जूल थॉम्सन का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने क्या करा था कि रियल गैसेस को एडियाबेटिक एक्सपेंशन कराया था अगेंस्ट वैक्यूम। तो देखो यहाँ पर क्या था, कई बार गैसेस ठंडी होती थी, कई बार और कुछ गैसेस गर्म हो जाती थी। तो अब गैसेस को जब अलग अलग टेम्परेचर पे एक्सपेंड कराया गया तो उन्होंने एक टेम्परेचर देखा जिस टेम्परेचर पे गैस एक्सपेंड होते हुए ना तो ठंडी हो रही है ना ही गैस गर्म हो रही है। अब ज्यादातर रियल गैसेस जो थी वो अपने इन्वर्जन टेम्परेचर के पहले अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रही थी अगेंस्ट वैक्यूम इन द जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, तो उनमें ज्यादातर गैसेस की क्या हो रही थी, कूलिंग हो रही थी, और इन्वर्जन टेम्परेचर के आगे क्या हो रही थी, हीटिंग हो रही थी। तो पहले कूलिंग और बाद में हीटिंग, तो इफेक्ट जो है वो उल्टा हो गया। इसे इस टेम्परेचर का वैल्यू का नाम क्या रखा, इस इंटरसेक्शन टेम्परेचर का नाम क्या रखा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम क्या रखा, इन्वर्जन टेम्परेचर। फिर से बोलता हूँ उसकी डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ अ रियल गैस अगेंस्ट वैक्यूम नाइदर कॉज कूलिंग नॉर हीटिंग ऑफ द गैस इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर का एक्सप्रेशन कितना है, इन्वर्जन टेम्परेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए अपॉन आर बी। इसको अगर आप सही से देखें इट इज 2 टाइम्स ऑफ बॉयज टेम्परेचर, बॉयज टेम्परेचर का डबल है। अब अगर आप एक्सप्रेशन लिखे तो ये मेरे पास में 2 टाइम्स ऑफ ए अपॉन आर बी। बॉयज टेम्परेचर कितना है बच्चों, ए अपॉन आर बी, और जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कितना है, 8 अपॉन 27 ए अपॉन आर बी। आप देख के आसानी से बता सकते हैं कि सर क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम होगा एक रियल गैस के लिए, उससे ज्यादा उसका बॉयज टेम्परेचर होगा, और सबसे ज्यादा क्या होगा यहाँ पर, इन्वर्जन टेम्परेचर होगा। अब क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन क्या आ गया, कंसीडर द वंडरवॉल कांस्टेंट ए एंड बी फॉर द गिवन गैसेस। वंडरवॉल कांस्टेंट ए और बी दे रखे हैं, व्हिच गैस इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। बच्चों देखो क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला कितना होता है, 8 अपॉन 27 ए अपॉन आर बी। ये तो फॉर्मूला में याद हो गया है, तो हमें क्या करना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन आर बी। जिस गैस के लिए ए अपॉन सॉरी क्रिटिकल, इसमें ए अपॉन बी का वैल्यू, क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन बी है, जिस गैस रियल गैस के लिए ए अपॉन बी का वैल्यू सबसे बड़ा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो देखो पहले आर्गन के लिए, आर्गन के लिए ए अपॉन बी रेशियो कितना आएगा, 1.3 डिवाइडेड बाय 3.2। नियन के लिए कितना आएगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 1.7। क्रिप्टन के लिए कितना आएगा, 5.1 डिवाइडेड बाय 1। और जीरन के लिए कितना आएगा, 4.1 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर आप ढंग से देखें तो 5.1 डिवाइड बाय 1 सबसे बड़ी वैल्यू है, 5.1 ही है, तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पर किसका हो जाएगा, जी सर वो क्रिप्टन का हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिप्टन का आएगा अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू। फिर क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, आपको जो गलत कथन है उसका चयन करना है, आपको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको सेलेक्ट करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट कैसे करेंगे, एट वेरी लार्ज वॉल्यूम रियल गैसेज शोज आइडियल बिहेवियर। अरे भाई सही बात है, अभी हमने पढ़ा था कैसे, अगर एट वेरी लार्ज वॉल्यूम करते हैं डेट वॉल्यूम टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, तो प्रेशर टेंड्स टू जीरो हो गया, तो जेड टेंड्स टू वन हो गया, रियल गैसेज शोज आइडियल बिहेवियर, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर एक करेक्ट स्टेटमेंट है तो सर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आप नोट करो वो कैसे, कितने बदमाश हैं जेईई मेन वाले, इवन कॉम्पिटिशन वाले, आपको पता है कि करेक्ट क्या है तो वो बदमाश लोग आपसे इनकरेक्ट इनकरेक्ट पूछते रहते हैं, आई बात समझ में। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस को देखो तो ढंग से पहले इनकरेक्ट को हाईलाइट कर दो, ऐसा ना हो कि आप करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करके आ जाओ, सोचो सर मल्टीपल करेक्ट है,
और मेरे को जेई मेन में बोनस मिलेगा, तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर तीन स्टेटमेंट करेक्ट हैं और एक इनकरेक्ट है, आप करेक्ट वाले को टिक करके बोनस के चक्कर में आ जाओ, भाई आपके नुकसान हो जाएगा, ठीक है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपका गलत हो जाएंगे। फिर देखो बी क्या बनवास में, एट वेरी लो टेम्परेचर रियल गैसेस शोज आइडियल बिहेवियर। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो आइडियल बिहेवियर आ सकता है, ठीक है? आइडियल बिहेवियर क्यों करेगा भाई, अगर टेम्परेचर लो है तो उनका तो रियल गैस का रियल बिहेवियर रहेगा, कंप्रेशन हो सकता है। हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है ना, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा, एट बॉयज टेम्परेचर रियल गैसेज शोज आइडियल बिहेवियर। हाँ, नियरली आइडियल बिहेवियर शो करता है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। एट लो प्रेशर रियल गैसेज शोज आइडियल बिहेवियर। अगर प्रेशर लो होता है तो रियल गैसेज का आइडियल बिहेवियर होता है, तो ये तो मैंने पढ़ा था वेरी लो प्रेशर पे हो जाता है, जो ऑप्शन ए था वैसे ऑप्शन सी हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं। ओके तो बच्चों यहाँ तक ये वेबिनार एंड होता है, क्योंकि जो स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर है, जो गैसेस स्टेट का चैप्टर है, वो काफी छोटा वाला चैप्टर है। इसमें हमने आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ा है, इसमें हमने रियल गैसेस के बारे में पढ़ा। अब इस वेबिनार में हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए जो जेई मेन के अंदर आपको मिले थे 2019 के अंदर मिले, कुछ और पुराने क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करे। 2020 के एक ही क्वेश्चन मुझे मिला था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आया था, मैं करता भी क्या, और दूसरा तो जेई मेन अभी हुआ भी नहीं है, तो वो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आई होप इस वेबिनार से आपके कुछ कंसेप्ट जो है वो थोड़े बहुत रिवाइज हो गए होंगे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा आपको कंसेप्ट और कुछ बहुत नए समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, आप सबको बहुत अच्छी तरीके से आता है, आपको वीएमसी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए भी गए हैं। तो बच्चों अब इस वेबिनार को हम यही एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई मेन, आप सभी लोग सेफ रहें, खुश रहें। थैंक यू।